गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू आर डूइंग गुड गाइस। सो आज है मंडे एंड साथ ही साथ आज एक्चुअली मम्मी का डिस्चार्ज होने वाला था क्योंकि उनका जो सर्जरी था 4 डेज हो गया है और पहले डॉक्टर ने बोला था वही लाइक 4 डेज के अंदर हो जाएगा, अगर एक नहीं हम लोग करा रहे हैं तो, और दो नहीं कराते तो 6 डेज। तो उस हिसाब से आज एक्चुअली उनका हमने सोचा था कि डिस्चार्ज हो जाएगा, बट हाँ कल रात को उन्होंने बोला कि नहीं, जब डॉक्टर विजिट के लिए आए थे कि वो और 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं, तो इसलिए आज नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, होपफुली कल हो जाएगा, कल परसों। तो अगर कल होगा तो वो तो आज रात तक पता चल ही जाएगा। एंड साथ ही साथ गाइस आज है रक्षाबंधन और ऑलमोस्ट 5 ईयर के बाद इस बार मैं यहाँ पर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करूँगी। मतलब वैसे तो मैं भेज देती हूँ, वैसे तो एक्चुअली हम दो बहन ही है, मतलब मेरी खुद की, पर जैसे मैं राखी बांधती हूँ वो मेरी बुआ का बेटा है। एंड लकीली इस साल वो बैंगलोर पे है क्योंकि उसका जॉब हो गया है और वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया है कुछ ही दिनों पहले, लाइक आई थिंक 6 मंथ हो जाएगा एंड 6-8 मंथ हो जाएगा। और उसी बीच मैं एक्चुअली व्लॉग नहीं कर रही थी, तो और मैंने जब भी वो आया है कभी आई थिंक मतलब मैंने शूट नहीं किया है, और बीच में भी वो एक बार आया था आई थिंक उस दिन भी मैं व्लॉग नहीं कर रही थी, तो वो आ जाएगा तो फाइनली आप लोग से भी मिला दूंगी। एंड हाँ, तो 5 साल से नहीं बांध पा रही थी, इस बार बहुत दिनों के बाद बांध रही हूँ। और एक बेस्ट पार्ट है ना कि हम दोनों की लाइक जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो भी सेम है, मतलब वो मुझसे 3 साल छोटा है बट सेम डे हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है, मेरी 3rd जो बर्थडे थी उस पर वो लाइक वो उसका बॉर्न हुआ था। तो एक है स्पेशल चीज़ है हम दोनों में, कॉमन चीज़ जो कि बोल सकते हो। तो शाम को तो वो आएगा, तो अभी उसके लिए एक्चुअली वही जाऊंगी, थोड़ा सा खाना वगैरह बना लूँगी क्योंकि शाम को वो एक्चुअली तो आएगा बट हम भी शाम को फिर हॉस्पिटल भी जाने वाले हैं, तो उसको देखूँगी, अगर पूछूँगी वो खा लेगा तो यहाँ पे खा लेगा, नहीं तो उसके लिए पैक कर दूँ, पैक करके भिजवा दूँगी। तो वही सोचा है मैंने। एंड साथ ही साथ रात को एक्चुअली कल मैंने खीर भी बनाया था, पायस जो कि हम लोग बोलते हैं, तो वो भी मैंने एक्चुअली बनाया था क्योंकि ना वो रात को, इसलिए मैंने कल बना लिया था क्योंकि वो ठंडा हो जाता है ना तो खाने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो मैंने रात को लेट नाइट बना के फ्रिज में डाल दिया था। तो वही, और मैंने साथ साथ उसका जो रेसिपी है वो भी शूट कर लिया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो बस, और अभी जा रही हूँ किचन में, लंच वगैरह हम लोग का हो गया है, तो बस अभी आटा गूंद कर रख लूँगी, फिर सब्जी बना दूंगी एंड लास्ट में पूरी तल दूंगी, जब तक वो निकलेगा उसको फ़ोन करके, तो बस यही है प्लान। तो चलो चलते हैं। एंड होगा तो लाइक जब वो लाइक मैं खाना बना बना के मिलती हूँ, नहीं तो एक साथ रेडी होके, अगर टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा तो एक साथ रेडी होके मिलती हूँ गाइस आप लोग के साथ। तो चलो चलते हैं, एंड तब तक आप लोग ये वाला रेसिपी देख लो। तो यहाँ पर पहले मैंने जो चावल है खीर वाला जो फ्लेवर्ड राइस रहता है तो वो ले लिया, उसको अच्छे से 4-5 बार मैंने क्लीन कर लिया है, अच्छे से मतलब धो के उसका जो स्टर्च वाला पानी है वो निकाल लिया है। तो यूजुअली मैं कुकर पे ही बनाती हूँ, मतलब जो राइस है उसको मैं कुकर पे ही अच्छे से पका लेती हूँ, तो ज़्यादा राइस लाइक जल्दी राइस गल जाता है और अंदर से सॉफ्ट भी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसे बर्तन पे आप पूरा स्टार्टिंग से बनाते हो ना तो पूरा 5-6 घंटा लग जाता है बनना खीर बनने के लिए। तो बस, तो यहाँ पर कुकर मैंने ले लिया है, उसमें 2 टीस्पून घी ले लिया है, ऊपर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा शुगर मैंने ऐड किया है कैरामलाइज्ड होके, उससे अच्छा कलर आएगा जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो। देन मैंने उसमें 2 छोटी इलायची कूट के डाला था, और अभी शुगर अच्छे से कैरामलाइज्ड होने के बाद इसमें मैं जो राइस मैंने रखा था क्लीन करके वो ऐड कर रही हूँ, तो इससे जो है कलर थोड़ा सा खीर का जो है ना ब्राउनिश आएगा। तो अगर आपको कलर नहीं चाहिए तो आप ये प्रोसेस स्किप कर सकते हो, मतलब शुगर बस स्किप कर सकते हो, बस नॉर्मल घी पे इलायची डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेना। फिर बस अभी थोड़ा सा भून लेने के बाद जो चावल था उसमें पानी डाल के 6-7 सीटी लगा लूँगी, जब तक अच्छे से पूरा जो राइस है ना गल जाए। जैसे और जब तक चावल पक रहा था उस बीच मैंने यहाँ पे सारा जो भी ड्राई फ्रूट्स है अच्छे से उसको चॉप्ड करके रख लिया है, ये ऑप्शनल है, जो भी आपको मतलब जिस हिसाब से आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हो कोई भी ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो। तो बस इसको अभी थोड़ा सा घी पे अच्छे से फ्राई करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, जब खीर बन जाएगा बाद में हम लोग डालेंगे अच्छे से ठंडा होने के बाद, तो उसको बस भून के मैं साइड पर रख ले रही हूँ अभी। तो अभी यहाँ पे मैं 1.5 लीटर मिल्क ले रही हूँ, इतना खीर मैं जितना बना रही हूँ 7-8 लोगों के लिए, तो यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर मिल्क मैंने लिया है, और भी 1 लीटर जो है साइड पे मैंने गरम करके रखा है, अगर बाद में ज़्यादा थिक हो जाएगा तो उसको मैं गरम करके बाद में भी ऊपर से ऐड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी
पर फिलहाल 1.5 लीटर में मिल्क ले रही हूँ। उसको अच्छे से बॉईल करूँगी, जब तक कुकर से पूरा वो जो गैस है निकलता है तब तक 15-20 मिनट लगेगा। तब तक अच्छे से 15-20 मिनट मिल्क को बॉईल करूँगी। और यहाँ पे इस बीच मेरा जो चावल भी था वो रेडी हो गया है अच्छे से, आप देख सकते हो पूरा सॉफ्ट हो गया है। तो इसको ना बस एक स्पैचुला या फिर स्मैशर के हेल्प से आपको थोड़ा सा स्मैश कर लेनी है, जैसे कि वो थोड़ा सा अच्छे से स्मैश हो जाए बस। और अभी जो मिल्क जो हमने रखा था गर्म करने के लिए, फिर उससे थोड़ा मिल्क में ला के यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ना अच्छे से स्मूथ हो जाए, पेस्ट जैसा बन जाए। नहीं तो अगर आप वो पूरा एकदम डाल दोगे मिल्क में तो वो लम्स जैसा बन जाएगा। तो थोड़ा सा उसको मिल्क ऐड करके पेस्ट जैसा करके अगर आप डालोगे तो वो ज़्यादा लम्स नहीं आएगा, अच्छे से वो मिक्स हो जाएगा मिल्क में। तो मिल्क यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बॉइल्ड हो गया था 15-20 मिनट लगभग बॉइल्ड होने के बाद। तो ये जो राइस था उसको मैं ऐड कर रही हूँ, और अभी तक मैंने कोई शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। अच्छे से अब मैं इस मिल्क में इस चावल को पूरा अच्छे से मिक्स होने दूंगी। तब तक 15-20 मिनट अच्छे से स्टेयर करते रहना है कंटिन्यूसली, छोड़ दोगे तो आप नीचे से चिपक जाएगा। तो इसको कंटिन्यूसली स्टेयर करते रहना तब तक, और फिर बाद में जब अच्छे से ये हो जाएगा बाद में मैं इसमें शुगर डालूंगी। तो अब उस हिसाब से जब डाल रहे हो ना चावल मिल्क में, तो अभी आपको जितना कंसिस्टेंसी रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप रख सकते हो। मुझे इतना ही चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा थिक, और क्योंकि थोड़ा ना जब ये खीर ठंडा होता है तो और थोड़ा वो ज़्यादा जम जाता है, तो थोड़ा सा अभी मैं वाटर ही रखूँगी। और बस 15-20 मिनट अच्छे से मतलब उसको वो पक जाने के बाद, इसी टाइम पे यहाँ पे मैं कॉन्डेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। और कॉन्डेंस मिल्क ऐड करने के बाद ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं होता है, सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून ही शुगर ऐड किया था। तो आप आपके अंदाजे से जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से ऐड करना। और फिर वो ऐड करने के बाद ऊपर से मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रखा था फ्राई करके ठंडा होने के बाद वो ऐड कर दिया है, और अभी और थोड़ा सा थिक हो गया है, और ठंडा होने के बाद और भी थिक हो जाएगा। और लास्टली मैं एक प्रोसेस फॉलो करती हूँ जिससे, जो कि मुझे बहुत पसंद है, एक सीक्रेट प्रोसेस मेरा। जब पूरा खीर बन जाए तो थोड़ा सा लाइक लास्ट में गर्म पानी में कोई भी मिल्क पाउडर, एक्चुअली मैं अमूल स्प्रे यूज करती हूँ जो कि आज मेरे पास अनफॉर्चुनेटली था नहीं, तो कोई भी मिल्क पाउडर होगा भी चलेगा। तो पर हाँ, जब आप ये ऐड करना गैस की जो फ्लेम है उसको ऑफ करके ऐड करना, क्योंकि कभी कभी बना वो जो है मिल्क पाउडर रहता है ना वो फटने का चांसेस रहता है, तो वरना आपका पूरा जो खीर है वो ख़राब हो जाएगा। तो पूरा लास्ट में ये प्रोसेस फॉलो करना, थोड़ा सा मिल्क पाउडर पानी में घोल के गर्म पानी में ऊपर से 2-3 टेबलस्पून अगर आप मिल्क पाउडर भी ले रहे हो ना उतना भी काफ़ी ऐड करके, बस इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना। और बस बन गया यहाँ पर हमारा खीर। तो डेफिनेटली एक बार ये वाला प्रोसेस में आप लाइक ट्राई करना, एंड मुझे कमेंट सेक्शन पे बोलना कि कैसा लगा आपको मेरा खीर वाला रेसिपी। सो बस गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, और उसको अभी कॉल किया था, वो ऑलमोस्ट पहुँच रहा है, तो बस पहुँचने दो उसको। फिर और क्या, राखी बांधते हैं। हाँ, पिंकू भी रेडी हो गए, पिंकू भी सुबह से राखी नहीं बांधे अभी तक, तो मैंने बोला था मैं एक साथ ही कर दूंगी, मतलब मैं भी उनको राखी बांधूंगी, इसलिए आपका जितना भी जो भी बहन का जो शगुन होता है ना वो मुझे दे देना, ठीक है ना। तो कोई भी बहन राखी नहीं बांध रहे तो इस बार तेरे को तुमको ही शगुन, ठीक है। तो सबको फोन करके बोल देना, चलो मैं शगुन ले जा रहा हूँ बोल के। हाँ, मैं क्यों बोलूँ, आप बोल देना कोई आपको पूछे तो ठीक है। चलो मैं वो थाली फटाफट थोड़ा बहुत रेडी कर दिया, और थोड़ा बहुत वो कर देती हूँ तब तक जब तक वो आ रहा है। और यहाँ पर मेरा ये थाली हो गया रेडी, और वहाँ पे एक्चुअली पिंकू आलती कर रहे हैं, शाम हो गया है तो जब तक मैं ये रेडी कर रही थी वो वहाँ पे आलती कर दे रहे थे। तो चलो सब कुछ रेडी हो गया है, और ये वाला खीर है जो कि मैंने बनाया था। ये पिंकू को लगा कि आइसक्रीम है, क्योंकि वो मैंने आइसक्रीम के जो मटका था ना उसको मैंने रखा था उसी में मैंने वो डाला है, तो पिंकू को लगा ये आइसक्रीम है। और ये है पिंकू का राखी, और ये दो मेरा, एक जो मैं बांधूंगी और एक लिसू के तरफ से, और एक वो लेके आया होगा शायद, जो कि मतलब लिसा नानी उसकी जो बहन है उनकी तरफ से शायद, या फिर वो खुद बांध लिया होगा, वो देखते हैं जब वो आएगा पता चलेगा। तो चलो
और अभी गाइस राखी वगैरह वो सब खत्म करके जा रहे थे। एक्चुअली हम लोग अभी जा रहे हैं मम्मी पापा के पास, पर इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है, फाइट फील्ड पे हम लोग फंसे हुए। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हो गया, पता नहीं ऐसे। एक्चुअली दिन भर भी मैं कुछ भी और सामान भी ऑर्डर कर रही थी ना कहीं से भी जेप्टो वगैरह से, तो बहुत मतलब भीड़ था यहाँ से। नहीं वहीं से डायवर्सन ले जाओ भैया के घर की तरफ से चले जाएंगे। अच्छा तो वहाँ पे भी अगर भीड़ होगा तो फिर फंसेंगे, क्योंकि अभी ये रन कर रहा था। नहीं 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 वहाँ से पूरा माराथली तक भीड़ रहेगा वो। अच्छा चलो फिर। तो नहीं तो वो करोगे क्या मेरे को भैया के घर ड्रॉप करके आप लोग जाओगे बाइक में? अगर आप नहीं आप बोलोगे तो मैं ऐसा ही कर दूंगा, नहीं तो देखो अगर इतना। हाँ इधर भी भीड़ है, मेरे को नहीं लग रहा है कार में आज पहुंच पाओगे। जब हम लोग पहुंचेंगे 9 बजे उसके बाद क्या मतलब, वो विजिटिंग टाइम भी नहीं होगा, क्लोज हो जाएगा तो फिर तो यही बेहतर है तुम रह जाओगे भैया के घर। हां ये तो कोई भी नहीं जा पाएगा ऐसे जाने के चक्कर में। सिचुएशन भाई सीरियसली यार बैंगलोर में मेरे को लग रहा है कि एम्बुलेंस खरीदना पड़ेगा। कुछ भी सब फिर एम्बुलेंस खरीद के ट्यू 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 करके निकलेंगे। गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि एम्बुलेंस खरीदने दो और ट्यू ट्यू करेगा जब तक। कुछ भी भाई आज जो ठीक है दिमाग में इंस्टेंट आया तो मार दिया मैं पकड़ के पीटेंगे सब ठोकेंगे ठोकेंगे। तो अभी एक्चुअली भैया भी निकल रहे थे जाने के लिए, बट उन्होंने बोला वो एक्चुअली दिन पे भी गए थे, वो वापस घूम के आ गए उनका कॉल आ गया। हाँ। नहीं नहीं वो गया था 2:30 बजे। हाँ। ते 4 बजे उसका कॉल था तो वो 2:30 से 3 बजे तक वही कुंदनाली गेट में फंस गया। हाँ, तो बोला कि अगर मैं यहाँ से भी निकलूंगा माराथली में फंसूंगा 4 बजे तक मैं हॉस्पिटल में भी नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उससे बेहतर है 4 बजे तक घर पहुंच जाता हूँ, कॉल अटेंड करूंगा फिर शाम को जाता हूँ। आज पिंकू को छुट्टी नहीं मिला तो ऐसा करके भैया को भी आज एक्चुअली उनका भी बहुत काम था, बहुत काम था और मेरे को छुट्टी मिल जाता, लेकिन मेरा प्रॉब्लम हो गया कि मेरा डिप्लॉयमेंट का टाइम हो गया है और डिप्लॉयमेंट का टाइम में और 2-3 डॉक्यूमेंटेशन हमारा थोड़ा गलत हो गया था, तो उसको पहले फिक्स करना था, अदरवाइज डिप्लॉयमेंट लेट हो जाता। तो ऐसा करके क्या करेंगे, और क्योंकि पहले एक्चुअली जैसे कि हमारा प्लान था 1 को मम्मी का हम लोग ऑपरेशन कराने वाले थे, तो उस हिसाब से सब कुछ प्लान था। पिंकू ने भी ऑफिस में बोल के रखा था कि 1 वीक छुट्टी के लिए नहीं, पर बाद में सब कुछ प्लान चेंज हो गया, तो अभी मतलब उस हिसाब से ही उनका तब पिंकू ने शिफ्ट करवाया था सब कुछ, और अभी फिर से प्लान चेंज हो गया तो और क्या कर सकते हैं ऐसे में। तो चलो चलते हैं। और फिर जैसे तैसे करके पहुंच गए थे फाइनली हम लोग, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था बट हाँ फाइनली पहुंच गए। और जब तक हम पहुंचे तब तक मम्मी मतलब खाना वाना खा के मतलब सोने को जा रहे थे, ऑलमोस्ट दोनों ही पापा मम्मी सोने को जा रहे थे, क्योंकि पापा ही थे उस दिन भी मतलब मम्मी के पास रात को। बट फाइनली कोई नहीं पहुँच गया, एंड थोड़ा सा जाने के बाद फिर बैठ के बातें बातें किया, फिर उन लोगों को भी मम्मी को भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वैसे भी पूरा दिन भर वहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रही थी वो भी, और जो खीर भी बना था वो भी खाया उन्होंने। तो बस तो चले गए, सबसे ये वाला जो व्लॉग है यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज बाय।